दोस्तों यह कहानी है जापान की। वहाँ की लोक कथाओं के अनुसार जापान की सड़कों पर रात को एक कुचिस्के ओन्ना नाम की एक महिला की आत्मा घूमती है, जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और यह महिला अपने मुंह को किसी मास्क या किसी कपड़े से ढके रखती है और अपने हाथ में एक धारदार हथियार लिए हुए जापान के सड़कों पर लोगों के घरों के बाहर और इधर उधर घूमती रहती है। और बहुत से लोगों ने इस महिला को देखा भी है। कुछ लोगों का कहना है कि जब हम बहुत से लोग होते हैं तब तो यह महिला हमें कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उसे रात को सड़क पर अकेले मिलता है तो यह महिला उस अकेले बैठे व्यक्ति के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। और जब कोई व्यक्ति उस महिला से कहता है नहीं तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वह महिला उस व्यक्ति को धारदार हथियार से मार देती है। और अगर वह व्यक्ति पहले हाँ कह देता है तो वह महिला फिर अपना चेहरा दिखाती है और उस व्यक्ति से एक बार फिर पूछती है कि क्या वह खूबसूरत है। और अगर तब वह व्यक्ति मना कर देता है तो वह महिला उस धारदार हथियार को उस व्यक्ति के कान में घुसा देती है और उस व्यक्ति को मार देती है। और अगर वह व्यक्ति हाँ कर देता है तो वह महिला उस व्यक्ति का मुख भी अपनी तरह काट देती है और उसे भी अपनी तरह ही बना देती है। दोस्तों वहाँ के लोगों ने जब इस बात की सच्चाई जाने की कोशिश और उस महिला का पीछा भी किया, लेकिन वह महिला एक जंगल में जाकर गायब हो जाती है। वहाँ के लोगों का मानना है कि वह महिला रोज इसी जंगल से आती है और उसे जो भी व्यक्ति सड़क पर अकेला दिखाई देता है वह उसे मार डालती है। दोस्तों यह कहानी आपको सुनने में एक बनी बनाई कहानी जरूर लग सकती है, लेकिन यह एक सच्ची कहानी है।